हेलो एवरीवन वंस अगेन यू आर वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंपलीफाइड बाय ओसीडीसी दिस इज़ विनोद कुमार गर्ग सो अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं पीजीआई लैब अटेंडेंट एग्जाम के लिए या किसी भी और संस्थान के लैब अटेंडेंट एग्जाम के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं लैब अटेंडेंट की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात कि क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कैसे आपको अपना माइंड प्रिपेयर करना चाहिए कि आपको क्या क्या काम लैब अटेंडेंट के तौर पे करने होते हैं सो so, अगर आप लैब अटेंडेंट एग्जाम के लिए नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो नाइन एट सेवन सिक्स थ्री सेवन वन सेवन डबल एट पर संपर्क कर सकते हैं तो शुरू करते हैं वीडियो तो पहला जो काम होता है लैब अटेंडेंट का वो है लैब अटेंडेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग केमिकल स्टोर मतलब लैब के अंदर जितने भी रिएजेंट्स जितने भी केमिकल्स जितने रसायन यूज़ होते हैं तो उनको उनका स्टॉक मेंटेन करना उनका रिकॉर्ड करना ये सब लैब अटेंडेंट का मेन काम होता है इसका मतलब ये हुआ कि हर लैब के अंदर एक स्टोर होता है यहाँ पे केमिकल स्टोर किए होते हैं तो वो केमिकल्स को जो लैब अटेंडेंट होता है वो इशू करता है उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने एक्सपेरिमेंट वगैरह करने होते हैं ठीक है और किसी केमिकल uh, के ख़त्म होने पर फिनिश होने पर तो उसको रिप्लेनिश करना भी लैब अटेंडेंट का रोल होता है अब अगला काम उसका आता है लैब अटेंडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स मतलब लैब के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं कोई ऑपरेटर्स होता है तो उन सभी को मेंटेन करना ये लैब अटेंडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अब जो तीसरा काम होता है लैब अटेंडेंट का वो है कि ही और शी इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पार्टिसिपेट इन द लैब टेस्ट बाई प्रोसेसिंग लैब सैम्पल्स तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है एक लैब अटेंडेंट होता है और एक लैब असिस्टेंट होता है तो ये दोनों ही काम आपको करने पड़ सकते हैं वैसे ये काम लैब असिस्टेंट का होता है लैब टेक्नीशियन के साथ सैंपल को प्रोसेस करना लेकिन काफ़ी छोटी लैब्स भी हो सकते हैं यहाँ पे लैब असिस्टेंट लैब अटेंडेंट का काम सेम ही हो तो यहाँ पे लैब अटेंडेंट के तौर पे आपको टेक्नीशियन की हेल्प भी करनी पड़ सकती है बाय प्रोसेसिंग द लैब सैंपल्स तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी ज़्यादा नॉलेज कितनी ज़्यादा जानकारी है फिर आता है लैब अटेंडेंट परफॉर्म हाउस कीपिंग इन लेबोरेटरी तो आपने कभी होटल्स में सुना होगा हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट होता है एक तो वैसे ही हाउस कीपिंग यहाँ पर भी होती है लैब के अंदर तो यहाँ पे लैब के अंदर इसका मतलब क्या होता है कि क्लटर्स को रिमूव करना क्लटर्स होते हैं जो अनयूज्ड या फिर जो यूज़ हो चुकी चीज़ें हैं ना तो मतलब जिसको डिस्पोज़ करना है तो उन सभी को ख़त्म करना फिनिश करना मतलब तो दोबारा से लैब को एक नए एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी करना ऑपरेटर्स को रेडी करना ये सब काम हाउसकीपिंग में आता है तो ये लैब अटेंडेंट का जॉब रोल होता है फिर लैब अटेंडेंट परफॉर्म स्टॉक चेक ऑफ द लेबोरेटरी सप्लाईज जो भी लैब में कोई इंस्ट्रूमेंट कोई इक्विपमेंट किसी की भी नई सप्लाई आती है तो उसको सब मेंटेन करना और उसको स्टॉक रजिस्टर आदि में रिकॉर्ड करना ये भी लैब अटेंडेंट का रोल होता है और इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जब कोई स्टॉक ख़त्म होने वाला होता है ठीक है बफर स्टॉक भी कर किसी चीज़ का यूज़ हो जाता है तो वो सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना या फिर किसी परचेज uh, डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना ये भी लैब अटेंडेंट का ही जॉब रोल है और उसके बाद आता है लैब अटेंडेंट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ प्रेपरेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल सेटअप मतलब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप को स्टार्ट रेडी uh, करना तो ये लैब अटेंडेंट का मेन कामों में आता है ये भी तो फिर आता है लैब अटेंडेंट वर्क्स अंडर द इमीडिएट सुपरविजन टू परफॉर्म रूटीन एंड सेमी स्किल्ड वर्क्स तो लैब अटेंडेंट जो होता है वो अपनी किसी जो सीनियर्स होते हैं तो उनकी सुपरविजन में काम करता है ताकि डेली के जो काम होता है रूटीन वर्क जो होते हैं सेमी स्किल्ड जिसमें खास कोई स्पेसिफिक योग्यता की जरूरत नहीं होती तो उनमें हेल्प करता है ही शे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग लैबोरेटरी इक्विपमेंट्स एंड रिप्लेनिशमेंट ऑफ लैब रॉ मटेरियल तो लैब के अंदर जो रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं उनको रिप्लेनिश करना मतलब जो चीज़ फिनिश हो गई है उसको दोबारा से स्टॉक मेंटेन करना ठीक है और जो आपरेटर्स यूज़ हो चुका होता है एक्सपेरिमेंट फिनिश होने के बाद इमीडिएट उसको क्लीनिंग करना तो ये मेन रोल में आता है लैब अटेंडेंट के एंड ही शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लेबोरेटरी रिकॉर्ड्स लैब में बहुत तरह के रजिस्टर्स होते हैं ठीक है इसमें परचेज रजिस्टर होता है यूज़ जो मटेरियल यूज़ हो रहा है कंजप्शन जिसकी हो रही है उसका भी एक रजिस्टर होता है ऐसी कोई न्यू सप्लाई आई है उसका भी रजिस्टर है कोई डिस्पैच है कोई रिपोर्ट्स है ठीक है तो ये सबके रिकॉर्ड मेंटेनेंस करना भी जॉब जो लैब अटेंडेंट है उसका जॉब रोल है एंड ही शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लासीफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ सैम्पल्स जो वेरियस सैम्पल्स की कलेक्शन होती है लैब्स के अंदर तो उसके ऊपर लेबल लगाना ये भी लैब अटेंडेंट ये काम भी Uh, कर सकता है उसको करने के लिए बोला जा सकता है सो so, उसके बाद हम बात करें तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो होते हैं जैसे कोई फाइल्स का, का काम है किसी फ़ोन uh, का आंसर देना है ठीक है तो ये भी काम थोड़ा बहुत लैब अटेंडेंट का ही होता है लैब अटेंडेंट मॉनिटर द सिक्योरिटी इश्यूज लैब के अंदर किसी सिक्योरिटी को लेकर कोई इशू है तो लैब अटेंडेंट जो है उसके रिगार्डिंग अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करेगा सिक्योरिटी इशू हो जाते हैं अक्सर लैब के अंदर कोई किसी का मिस यूज हो जाना विदाउट परमिशन यूज हो जाना तो ये सब चीज़ें सिक्योरिटी इशू के अंदर आती हैं तो लैब अटेंडेंट इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और जो नेक्स्ट लास्ट जो वर्क हो सकता है लैब अटेंडेंट का तो वो होता है अगेंस्ट सिक्योरिटी के ही साथ ये रिलेटेड uh, है जिसमें क्या है कि कोई स्टूडेंट या कोई भी और कोई साइंटिस्ट कुछ भी है तो सब यूज़ लैब इक्विपमेंट विदाउट परमिशन उसके पास परमिशन नहीं है लैब के अंदर कुछ, uh, किसी चीज़ को यूज़ करने की लेकिन वो कर रहा है तो ये लैब अटेंडेंट का काम है कि वो अपने सुपरवाइज़र को इमीडिएटली इन्फॉर्म करे ओके okay? सो ये थे कुछ टास्क जो लैब अटेंडेंट के तौर पे आपको करने होते हैं तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है इंटरव्यू के दौरान भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप के क्या क्या जॉब रोल हैं क्या क्या आप कर सकते हो तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा सो नोट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं नाइन पर थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग